कैथलिक चर्च बालाबाद फैसलाबाद में पैरिश प्रीस्ट रेवरेंड फादर ताहिर राउफ के जेर एहतमाम इज्जतमा बिशप डॉक्टर इंद्रियास अहमद की क्यादत में पाक मास की अकदस कुर्बानी गुजरानी गई। इस मौका पर तकदसमा बिशप डॉक्टर इंद्रियास अहमद ने अपने पैगाम में इस बात पर जोर दिया है कि तमाम मसीहियों को मसीही तालीम सीखने की जरूरत है, चाहे वो उम्र के किसी भी हिस्सा में है। मसीही तालीम के जरिए हम खुदा और खुदा के भेदों के बारे में जानते हैं, पाक तस्लीस के बारे में मालूम हासिल करते हैं, साक्रामेंट के बारे में मालूम हासिल करते हैं, खुदा उनके सुमसी में जीना सीखते हैं, खुदा के दस अहकाम और आलमगीर सच्चाइयाँ सीखते हैं, खुदा को सुनना और खुदा से मांगना सीखते हैं। बीज बोने वाले की तमसील बयान करते हुए बिशप जी ने कहा कि खुदा के कलाम को अच्छी जमीन में बोए गए बीज की तरह कबूल करके 100 गुना फल लाएं। हमारे स्कूलों में बाकायदा मसीही तालीम दी जाती है जिससे बच्चों को सीखने की जरूरत है। उन्होंने खुदा के कलाम की रोशनी में अपने पैगाम में ये भी बताया कि कलीसिया का मिशन ये है कि हम खुदावन के कलाम को अच्छी तरह सीखें और दूसरों तक फैलाएं। इस मौका पर रोजरी ग्रुप ने पाक रोजरी पढ़ी। डायरेक्टर मसीही तालीम फैसलाबाद डायसिस मिस्टर जेम्स लाल ने मुकद्दस एंथनी के नवीना की दुआ पढ़ी। इस मौका पर इज्जतमा बिशप डॉक्टर इंद्रियास अहमद, फादर ताहिर राउफ, मनाज साहबान, सिस्टर साहबात और मोमिनीन ने मुल्क कौम की तरक्की, अमन सलामती और खुशहाली के लिए खसूसी दुआएं मांगी।